हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 6.4, इट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6। इससे पहले 6.1, 6.2, 6.3 और इंट्रोडक्शन हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। 6.3 में हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए थे वो हमने प्राइम फैक्टरेशन मेथड से किए थे। अब हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। देखिए, डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो डिवीजन मेथड होता है उसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं हम ऐसे। जैसे सपोज करो कि फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 2, 3, 0, 4। डिवीजन मेथड में पहले हम पेयर बनाते हैं नंबर्स का, और पेयर हमेशा स्टार्ट होगा एंड से। एक पेयर बन गया, दो पेयर बन गए। हमेशा पहला काम होता है डिवीजन मेथड में पेयर बनाने का। इसमें जो नंबर्स होते हैं वो पेयर्स में चलते हैं, और पेयर हमेशा पीछे से इस तरफ से जो लास्ट नंबर होगा वहाँ से बनते हैं। उसके बाद जो आपका फर्स्ट आगे का जो पेयर बनता है, उसमें पेयर बने या ना बने, जो आपका फर्स्ट ये वाला जो नंबर रहेगा, अब इस नंबर को यहाँ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सपोज करो मैंने 4 लिखा है, 5 लिखा, यहाँ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। या तो ये फर्स्ट दोनों के दोनों पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएं, या इससे कम रह जाए। देखिए, अगर मैं लिखूँ 4, तो मैं 4 की 4 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। 4 4 जा 16, तो ऐसे लिखा जाएगा 2 3 0 4 2 3 0 4। ये हमारा पेयर बन गया। उसके बाद पहले जाएगा 5, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, और हम जो नंबर यहाँ ऊपर लिखेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 7, और यहाँ से पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा 0 4। उसके बाद इन दोनों नंबर को कर देते हैं ऐड, 4 और 4 8, और यहाँ पे ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, या तो ये नंबर पूरा चला जाए या इससे छोटा रह जाए, और वो नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, जैसे हमने 4 की 4 से किया। तो अब देखें यहाँ पे किससे करें। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ, ये हमारा पहले 4 पे चला गया, अब ये 2 ऊपर नहीं जाएगा, 2 2 जा 4, 3 4 4 जा 16, 5 6 7 8, 8 पे चेक करते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा 8, और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई होगी, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 6 7 0 4। तो ये हमारा किस पे चला गया, ये हमारा चला गया 8 पे। तो आंसर बना 48। तो आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं। चलिए ये वाला एग्जांपल और देख लेते हैं। ये लिखा 5 2 9, पहला काम पेयर बनाने का, पेयर हमेशा पीछे से बनेंगे। अब ये अकेला नंबर बच गया 5, अब इसकी इस 5 को चेक करेंगे। जैसे 5 से छोटा नंबर क्या बनेगा, 4, और हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, यह आ जाएगा 4, रिमाइंडर 1, उसके बाद 29 एज इट इज़, और 2 इंटू 2 प्लस 2 4। फिर यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 129 या तो चला जाए या इससे छोटा रह जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2 3 0 4। देखिए 2 3 0 4, पहला काम पेयर बनाने का, ये बने हुए जी पेयर। उसके बाद हम पहले चेक करेंगे 23 से छोटा, क्योंकि 5 5 जा 25 होगा, तो 4 4 जा 16 बनेगा, तो 4 इंटू 4 16। इन दोनों नंबर को करते हैं ऐड। ऐड करने के बाद कितना है, 8, और यहाँ से 16 को जब माइनस करेंगे तो बनेगा 7, और ऊपर से हमारा पूरा पेयर एज इट इज़ 0 4।
देन अब यहाँ पे ऊपर नीचे जैसे सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई की थी वैसे सेम नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि या तो ये पूरा चला जाए या इससे छोटा रह जाए। तो यहाँ हमारा 8 पे अगर 8 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा पूरा 704 बन रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। आप चाहो तो इसे लीव कर सकते हो, आपको ये नहीं लिखना, आप बस यहाँ पे 0 और ऊपर आंसर आ गया 48। तो हमारा स्क्वेयर रूट 2304 का आ गया 48। सेकंड पार्ट है 4489। पहला काम पेयर बनाने का बन गए जी पेयर। उसके बाद 44 चेक करेंगे, 6 6 36, 7 7 49, तो 6 6 36 पे जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 8 और 6 और 6 हो जाएंगे 12। उसके बाद ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या तो ये पूरा डिवाइड हो जाए या फिर कुछ रह जाए। तो 7 पे 7 की 7 से मल्टीप्लाई, मतलब ये बन जाएगा 127 मल्टीप्लाई विद 7, क्योंकि हमने लास्ट में नंबर लेना है, लास्ट में हमने 7 लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया 889 हमारा पूरा आ रहा है, तो हमारा आंसर बन गया 67। और ये हम छोड़ सकते हैं, ये हमें नहीं लिखना। तो हमारा 4489 का स्क्वेयर रूट होगा 67। थर्ड पार्ट सेम है, थर्ड पार्ट पहला काम है पेयर बनाने का, पेयर बन गए। उसके बाद चेक करेंगे जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है पेयर में आगे से, ये वाला जो नंबर बनेगा, चाहे सिंगल बने चाहे दो नंबर हो, 5 5 जा 25, क्योंकि 6 6 जा 36 होगा, तो 5 5 जा 25। उसके बाद रिमाइंडर बचेगा 9, ये हो गया 81 सेम एज इट इज़, 981, 5 4 5 10। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पूरा 981 पूरा, तो हमारा आंसर आ जाएगा √3481=59। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 529, तो इसमें भी सेम देखो, पेयर पीछे से बनाए, अब आगे एक नंबर पेंडिंग है, तो अब हम एक को ही चेक करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर हमारा बचा 1, 29 को हमने एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद 2 और 2, इन दोनों नंबर को ऐड करके 4, और पीछे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या तो पूरा कैंसिल आउट हो जाए या कुछ रह जाए, रिमाइंडर रह जाए, तो हमारा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है 3 पे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो हमारा आंसर आ गया 23। तो हम लिखेंगे, ये आपको नीचे से नहीं लिखना, तो हमारा आंसर बनेगा √529=20। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, इसे आप 23 कर लेना, ये हमारा आंसर बनेगा 23। फिफ्थ पार्ट में 3249, अगेन पेयर बनाएंगे। फर्स्ट टू नंबर में 32 लिखा हुआ है, 5 5 जा 25 हो जाएगा, फिर 5 और 5, ऐसा तो हमने ऊपर भी किया है, 5 और 5 10, फिर 7 पे जा रहा है, 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 749 बन रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 57। सिक्स्थ पार्ट 1369, इसमें भी सेम, पहले पेयर बनेंगे, फिर जो स्टार्टिंग के दो नंबर हैं फर्स्ट पेयर में उन्हें चेक करेंगे कि किस नंबर पे 4 4 जा 16 होगा, 3 3 जा 9 होगा, तो 3 3 की वो 3 की टेबल पे चले गए, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 4 और हमारा ये एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 और 3 6, अब 7 पे चलेगा, तो आंसर आ जाएगा 37। और आपको ये वाला पोर्शन नहीं लिखना। सेवन्थ भी सेम है, पहले पेयर बनेंगे, ये लिखा हुआ 5776, पेयर में हमारा फर्स्ट पेयर बन रहा है, जो हमारा फर्स्ट पेयर बन रहा है वो है 57। अब 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, तो 7 पे चलेगा, 7 और 7 14 हो जाएंगे, और ये रिमाइंडर बचेगा 876 एज इट इज़, तो ये बन जाएगा 876। और जब हम 114 में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 876, ये लीव कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 76। एट्थ पार्ट, एट्थ भी बिल्कुल सेम है, ये लिखा हुआ 7921,
आपने पहले पेयर बनाए, फिर 79 चेक किया, इससे छोटा कौन है और इससे बड़ा कौन है, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, तो हम 8 पे चलेगा, हमारा जो नंबर है 79, 64 उसमें से माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 15, 21 को हमने एज इट इज लिख लिया, 8 8 जा 16, अब ये हमारा 9 पे चलेगा तो हमारा आंसर आ गया 89। तो रूट 7921 की वैल्यू आ गई 89। नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट 576, अगेन पेयर बने, फर्स्ट नंबर 5 बचा है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1, 76 हमारा एज इट इज, 2 2 4 और ये फिर 4 पे चल रहा है तो आंसर आ गया 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। टेंथ पार्ट इज 1024, पहले पेयर बने और फर्स्ट पेयर में लिखा हुआ है 10 तो 3 पे चलेगा, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 और ऊपर से 24 आ गया तो ये 124 बच गया, 3 3 6 और अब हमारा 2 पे चलेगा, 2 into 2 4 और 2 6 जा 12, तो आंसर आ गया 32। 11th पार्ट 3136, पेयर दोबारा पेयर बनाए, फिर 5 पे चलेगा, 5 5 जा 25, रिमाइंडर बचा 6, 36 एज इट इज़, 5 और 5 10 हो जाएगा, 6 पे मल्टीप्लाई किया तो 636 आ रहा है तो आंसर आ गया 56। लास्ट पार्ट 900, अगेन इसमें पेयर बनेंगे, लास्ट में 2 0 और 3 3 जा पहले 9 हमारा पूरा जा रहा है, 3 3 9, अब ये 2 0 जो बचेंगी उसके उसमें से 1 0 हमारी ऊपर चली जाएगी तो आंसर बनेगा 30। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट इन द स्क्वेयर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। सपोज करो कि जैसे 64 लिखा हुआ है, अगर 64 का रूट करें तो हमें बताना है कि जो रूट करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट का होगा। आंसर तो आएगा 8, और कितने डिजिट का होगा, एक डिजिट का, तो आपको बिना कैलकुलेशन के बताना है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये 1 आया है, ये 2 आया है, स्क्वायर रूट करने के बाद जितने भी हो डिजिट का नंबर बनेगा उसमें सिर्फ आपको डिजिट बतानी है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, पहले काउंट करते हैं ये डिजिट, ये कितने डिजिट हैं, 2, अगर ये इवन हो, डिजिट अगर हमारी इवन हो तो इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, अगर हमारी डिजिट इवन है तो उसे कर देते हैं 2 से डिवाइड और हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगी। अगर हमारी जो डिजिट हैं ये अगर हो ओड तो करेंगे n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जैसे इसका हमें डायरेक्ट पता है कि ये वैल्यू होती है 12 की, और जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसमें n तो है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये कितनी है, 3 डिजिट हैं, 1 2 3, तो इसमें n की वैल्यू हो गई 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 2। हमें तो सिर्फ ये बताना है कि जब स्क्वेयर रूट हो जाएगा, स्क्वेयर रूट होने के बाद जो आंसर बनेगा उसमें कितनी डिजिट होंगी, तो इसमें उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम पहले लिखेंगे, वी नो डैट इफ एन इज द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वेयर नंबर, देन नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वेयर रूट एन बाय 2, कब जब एन हो जाएगा इवन, और एन प्लस 1 बाय 2 कब जब एन हो जाएगा ओड। तो जैसे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 64, अब दोनों कितने नंबर हैं इसमें, डिजिट्स कितनी हैं, 2, तो फॉर्मूला क्या है, अगर इवन है तो एन बाय 2, एन का मतलब है इसमें जितनी डिजिट है, तो 2 बाय 2 आंसर आ गया 1। तो हमारा जब स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करेंगे, स्क्वेयर रूट के फाइंड आउट करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक डिजिट का होगा। सेकंड पार्ट कितनी डिजिट हैं, 3, ओड हो गया, ओड के लिए एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, एन का मतलब 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 2। इसमें डिजिट है 4, 4 का मतलब 4 डिवाइड बाय 2 एन बाय 2, तो आंसर आ गया 2 डिजिट।
अगले में डिजिट है 5, तो 5 + 1 / 2, 5 + 1 = 6, 6 / 2 आंसर आ गया 3। नेक्स्ट वाले में डिजिट है 6, तो 6 / 2 आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करने हैं, बट जो नंबर दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं डेसिमल फॉर्म में। अब सेम बिल्कुल जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वर्क किया था, बिल्कुल सेम करना है डिवीजन मेथड से, बट यहाँ पे भी आपको पहले पेयर बनाने पड़ेंगे। ये पेयर बन गया और ये विदाउट पेयर रह गया, यहाँ पे भी आपको पेयर बनाने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट 2.56, अब हमारा जो पेयर बना है 56, क्योंकि पेयर हमेशा डिवीजन मेथड में पीछे से ही बनते हैं, तो 56 और पॉइंट से पहले 2 रह गया। अब 2 से छोटा नंबर या 2 पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो 2 × 2 = 4 होता है, 1 × 1 = 1 होता है, तो 1 पे चलेगा पहले, रिमाइंडर बचा 1 और 1 + 1 = 2। अब जो ये नंबर हम उतारेंगे और यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ था वो सेम पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा 1 पॉइंट। उसके बाद ये हमारा पूरा बना 156। अब यहाँ बन गया 2। अब यहाँ कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे सेम से, कि या तो 156 पूरा चला जाए या इससे छोटा है। सपोज करो मैंने 5 से कर ली, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर लूँ क्या था 156 सॉरी ये था हमारा 2। अगर मैं 5 से कर लूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 12, 125 बनेगा, बट ये आना चाहिए 156। तो 6 पे करके देख लेते हैं, 6 × 6 = 36, 3 × 6 = 12 और 3 = 15, तो 156 पूरा बन रहा है कब, जब हम यहाँ पे 6 लेंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1.6। आपको इसे लीव कर देना है, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1.6। तो रूट 2.56 = 1.6। नेक्स्ट सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, पहले पेयर बनेंगे, उसके बाद पेयर में नंबर जो पेंडिंग है स्टार्टिंग में 7, 2 × 2 क्योंकि 3 × 3 = 9 होता है, 2 × 2 = 4, तो 2 × 2 = 4। यहाँ तो वैसे तो करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ जो लिखेंगे, और जब फ्रंट में लिखेंगे तो करेंगे ऐड करके, तो 2 + 2 = 4, अब 44 बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमें आना चाहिए 3 × 2 = 9। अब यहाँ पे ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, या तो ये पूरा नंबर चला जाए या फिर इससे छोटा रह जाए। तो सपोज करो कि लास्ट में 9 लिखा हुआ है, मैं 9 बनाने के लिए 3 से, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, 129 आ गया, नहीं बहुत छोटा रहेगा। अब 9 और कहाँ बनेगा, 7 की मल्टीप्लाई करें 7 × 7 से, तब भी 9 बन रहा है, तो 47 7 से मल्टीप्लाई, तब हमारा 329 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.7। थर्ड पार्ट पेयर बनेंगे, फर्स्ट पेयर में हमारा स्टार्टिंग नंबर बन रहा है 51, तो 7 × 7 = 49, रिमाइंडर 2, 84 हमारा एज इट इज़, और जो पॉइंट था वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 7 × 7 = 14। अब उसके बाद यहाँ पे ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे जिससे पूरा डिवाइड हो जाए, तो ये नंबर हो जाएगा 2, तो 7.2 आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट 42.25, पेयर में फर्स्ट नंबर है 42, 6 × 6 = 36, रिमाइंडर 6, पॉइंट हमारा ऊपर सेम शिफ्ट हो जाएगा, और 25 एज इट इज़, 6 × 6 = 12, और ये अब हमारा 5 पे चलेगा, तो आंसर आ गया 6.5। लास्ट पार्ट 31.36, अब इसमें भी सेम काम करना है, 5 × 5 = 25 बन रहा है, रिमाइंडर 6, 36 एज इट इज़, तो 106, और ये हमारा 6 पे चल रहा है, तो आंसर आ गया 5.6। क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वेयर, also find the square root of the perfect square so obtain। अब जैसे ये नंबर दे रखे हैं, अब पहले क्या करो, इनका स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर लो डिवीजन मेथड से। जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर को अगर इस नंबर से माइनस कर दूं, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर नंबर बच जाएगा, ऐसा हमने
प्राइम फैक्टरेशन मेथड में भी किया है। पहले हमने उसके फैक्टर फाइंड आउट किए, फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद जो विदाउट पेयर नंबर बच रहा था उसको सबट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा ही काम इसमें करेंगे हम। तो इसमें पहले डिवीजन मेथड से फर्स्ट पार्ट का देखो, पहले हमने डिवीजन मेथड से आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचा हुआ है, रिमाइंडर बचा हुआ है टू। तो हम टू को अगर 4002 में से सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास न्यू नंबर बनेगा 4400। सॉरी, अगर टू को हम 402 में से सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर मिल जाएगा और वो नंबर होगा 400। और 400 किसकी वैल्यू होती है, 400 वैल्यू होती है 20 की। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम। पहले आप यहाँ से डिवीजन मेथड का यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो। हमारा रिमाइंडर आ गया 56, वही 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचा 3, उसके बाद 89 एज इट इज़। और फिर इससे छोटा, अगर ये पूरा चला जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं जाए तो इससे छोटा नंबर लिखना है। तो हमारा 4, ये अगेन 4 पे चल के 44, और ये बन रहा है 36। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 53। तो 53, अब 53 वो नंबर है जिसे अगर इसमें से माइनस कर दें तो यहाँ पे ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर था ये हमें परफेक्ट क्यूब नंबर दे देगा, सॉरी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर दे देगा। हम क्या लिखेंगे, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 1989 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वेयर। तो नया नंबर बना 1936 माइनस करने के बाद, और ये किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी 44 की, ये वैल्यू होगी 44 की। थर्ड पार्ट सेम, पहले रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, रिमाइंडर आ गया 1। अब 1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें मिलेगा एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 57 की। ये वैल्यू वही होगी जो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ पार्ट 825, सेम काम, पहले डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, रिमाइंडर आ गया 41। अब 41 वो नंबर है जिसे अगर 825 में से माइनस कर दें तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर आ जाएगा, और किसकी किसकी वैल्यू होगी, वो होगी 28 की। हम लिखेंगे वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 41 फ्रॉम 825 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वेयर, और न्यू नंबर बनेगा 784, और ये किसकी वैल्यू थी, 28 की। फिफ्थ पार्ट में भी अगेन पहले पेयर बनेंगे, पेयर बनने के बाद 6 6 जा 36, और ये 6 और 6 12, फिर ये 3 पे जा रहा है और ये 400, तो 3 पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है 369, रिमाइंडर बच रहा है 31। रिमाइंडर अगर 31 बचता है तो 31 वो नंबर है जिसे अगर 4000 में से माइनस कर दें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर मिल जाएगा, और माइनस करने के बाद आएगा 3969, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारी 63 की। क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला गया है हमें वो वहाँ तो सब्ट्रैक्ट करना था और यहाँ पे अब हमें ऐड करना है, यहाँ पे हमें करना है ऐड। वो सब्ट्रैक्ट का केस था, ये हमारा एडिशन का केस है। तो फर्स्ट पार्ट में पहले हम चेक करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा। यहाँ से रिमाइंडर बचेगा सेम जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, रिमाइंडर बच रहा है 41। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारा गिवन नंबर है वो 22 के स्क्वायर से लेस है, गलत बोल दिया मैंने, जो हमारा गिवन नंबर है वो 22 के स्क्वायर से ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे इट इज़ रिप्रेजेंटेड दैट स्क्वायर ऑफ 22, अगर 22 का स्क्वायर करें तो वो छोटा आएगा 525 से। अब यहाँ पे दो स्टेप बनेंगे, वो थोड़ा ध्यान से देखना। पहला हम लिखेंगे कि 22 का स्क्वायर, जो हमारा रिजल्ट आएगा रिमाइंडर बचने के बाद, जो हमारा ये ऊपर वाला रिजल्ट है, पहले इसे लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे कि जो ये स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर 22 का स्क्वायर 525 से छोटा रहेगा। अब 22 के जस्ट
अगले वाला नंबर क्या बनेगा 23, 22 के बाद अगला नंबर क्या बनेगा 23, और जो 23 का स्क्वायर होगा वो 525 से ज़्यादा रहेगा। मतलब हम लिखेंगे कि जो हमारा 525 है वो 22 के स्क्वायर और 23 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। मतलब 22 का स्क्वायर छोटा रहेगा और 23 का स्क्वायर बड़ा रहेगा। तो हम लिखें कैसे, हम लिखेंगे जो 22 का स्क्वायर होगा वो छोटा रहेगा 525 से, और जो 23 का स्क्वायर रहेगा वो बड़ा रहेगा 525 से। अब हमें वो नंबर बताना है जिसे 525 में ऐड कर दें और हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, जो बड़े वाला नंबर है, कौन सा बड़े वाला नंबर, 23, 22 तो छोटा रहेगा 22 का स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर बड़ा रहेगा। तो 23 का स्क्वायर पहले फाइंड आउट करेंगे, 23 का स्क्वायर हमारा आ गया 529। अगर मैं 529 में से जो हमारा गिवन नंबर है वो माइनस कर दूँ तो हमारे पास वो नंबर बचेगा जिसे हम 525 में ऐड कर दें तो हमारे पास वो नंबर मिलेगा जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, ये अभी एक दो पार्ट करेंगे तो उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे द नंबर टू बी एडिड 25, तो आंसर आ गया 4। तो न्यू नंबर बनेगा अब 525 में अगर 4 ऐड कर दें तो यही नंबर बनेगा, और किसकी वैल्यू है 23 की। सेकंड पार्ट देखो, पहले हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर 69। अब रिमाइंडर इस ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर से मतलब था, अब हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है इससे। तो हम लिखेंगे जो हमारा गिवन नंबर है ये वाला, ये 41 के स्क्वायर से बड़ा है। तो मतलब क्या है, हम लिखेंगे इट इज़ रिप्रेजेंटेड डेट स्क्वायर ऑफ 41 इज लेस देन 1750। उसके बाद 41 से अगला नंबर 42 होगा, 42 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, और 42 के स्क्वायर में से जो हमारे पास गिवन नंबर है, 42 के स्क्वायर में से जो हमारे पास गिवन नंबर है ये माइनस कर देंगे, और जो माइनस करने के बाद आएगा वो नंबर होगा जो ऐड करने के बाद हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दे। तो हम लिखेंगे 42 का स्क्वायर 1764, और 17 एक नया नंबर टू बी एडिड, जो नंबर हमें ऐड करना है 1750 में, वो आ जाएगा 14 माइनस करने के बाद। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर 1764 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 42। मतलब कहने का मतलब ये है, एडिशन के केस में जो आपके पास ये नंबर बनेगा ना, डिवाइड करने के बाद जब रिमाइंडर हम छोड़ देंगे, रिमाइंडर छोड़ने के बाद ये नंबर जो बनेगा इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर आपका आंसर होगा।
फिफ्थ पार्ट, इन फिफ्थ पार्ट इट इज़ 6412। तो फर्स्ट इज़ इसके पेयर बनाएंगे, ये हमारे पेयर बन गए। उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे, 8 8 जो 64, 12 बचेगा, 12 हमारा छोटा है 16 से, तो ऊपर जीरो चली जाएगी, यहाँ से जीरो हटा देंगे, तो हमारा आंसर बन गया 80 और रिमाइंडर आ गया 12। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज़ 12। उसके बाद जो ऊपर 80 आया था, 80 का स्क्वायर इज़ लेस देन जो हमारा गिवन नंबर है 6412। उसके बाद 80 से नेक्स्ट नंबर है 81 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, और जो नंबर बनेगा जिसे हम ऐड करेंगे वो बनेगा 81 के स्क्वायर में से, मतलब 6561 में से गिवन नंबर को माइनस कर देंगे तो आंसर बनेगा 149। और इसका स्क्वायर रूट बनेगा किसका, इसका 81। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। आपको एक नंबर दे रखा है, सॉरी आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है और उसका एरिया दे रखा है 441। हमें पता है जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर ये होता है एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो हमने साइड मान ली ए, तो हमने मान लिया लेट लेंथ ऑफ ईच साइड मान ली ए, एरिया हमारे पास है 441। तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, साइड हमारी ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 441। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ चला जाएगा रूट 441। तो हम अब रूट फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से ही। हम लिखेंगे इस तरीके से, पहले पेयर बनेंगे, पेयर में हमारा फर्स्ट नंबर बन रहा है 4 2 into 2 4 41, हमने लिख लिया नीचे 2 into 2 4 41, 41 पे 41 चला गया तो हमारा आंसर आ गया 21। तो हमारा यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 21, तो लेंथ ऑफ ईच साइड हो जाएगी हमारी 21। क्वेश्चन नंबर सेवन में बोला गया है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री का है। आपको ए पार्ट में पहले ए बी बी सी ये वैल्यू यूज़ करके ए सी फाइंड आउट करना है, और बी पार्ट में ए सी और बी सी यूज़ करके ए बी फाइंड आउट करना है। तो इसमें पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें 90 डिग्री का एंगल होगा बी पॉइंट पे। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पे 90 डिग्री, ए बी की वैल्यू 6 दे रखी थी, बी सी की वैल्यू 8 दे रखी थी, हमें ए सी फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में। तो हम लिखेंगे, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली, इसका स्क्वायर, ये होता है हमारा बेस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो इसके ऊपर रूट चला जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे। उसके बाद ए बी की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। इट इज़ व्हेन वी ऐड दीज टू नंबर वी गेट 100, तो रूट 100 ये वैल्यू होती है 10 की। तो हमारा ए सी की वैल्यू आ गई 10। बी पार्ट में सेम डायग्राम ड्रॉ करेंगे बट मेजरमेंट जो हैं वो अलग अलग होंगे। ए सी की वैल्यू है 13, बी सी की वैल्यू है 5। अब आपको ए बी फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे सेम वे में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है ए बी, तो ए सी को हम इस तरफ ट्रांसपोज करा देंगे, तो बनेगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। उसके बाद जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चला जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ए सी की वैल्यू 13, बी सी की 5, 13 का स्क्वायर 169, ये 25, दोनों को माइनस करेंगे तो 144, तो ये वैल्यू होती है 12 की। तो ए बी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर एट है उसमें बोला गया है ए गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, ही वेंट टू प्लांट दीज इन सच ए वे डेट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। एक गार्डनर ने 1000 प्लांट लगाए हैं या लगाने हैं, और इस तरीके से लगाने हैं
कि जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों। मतलब अगर उसके गार्डन में चार रोज ने लगाई हैं तो चार ही कॉलम बने। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट बताने हैं, उसे कितने ज़्यादा और चाहिए। सपोज करो कि उसने जब रो बनाई, उसकी रो बन गई चार, जब उसने कॉलम बनाने स्टार्ट किए तो एक दो तीन साढ़े तीन कॉलम बन गए। तो ये हाफ कॉलम को पूरा करने के लिए, जो नीचे एक कॉलम रह गया, ये कॉलम रह गया नीचे हाफ, इसको पूरा करने के लिए उसे कितने नंबर ऑफ प्लांट्स चाहिए आपको वो बताना है। तो उसके लिए हम जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वे में करेंगे। हम पहले इसका डिवीज़न मेथड से, डिवीज़न मेथड का यूज़ करके हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि रिमाइंडर क्या बचेगा, और डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा। आंसर जो आएगा उसे लिखेंगे, थाउजेंड से कम है उसका स्क्वायर, उससे नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे और जो स्क्वायर आएगा उसे थाउजेंड में से माइनस कर देंगे, तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो हमारी वो होगी जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे पहले कि जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उन दोनों को हमने एक्सपोज कर लिया, तो टोटल रोज और कॉलम कितनी बनेंगी, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, मतलब एक्स की मल्टीप्लाई कर दें अगर एक्स से तो ये बन जाएगी एक्स का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल है, थाउजेंड के। जब स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट। अब थाउजेंड का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो यह आ जाएगा रिमाइंडर तो बचेगा 39, और जो आंसर बनेगा वो बनेगा 31। तो हम लिखेंगे रिमाइंडर 39, और 31 का स्क्वायर लेस देन होगा थाउजेंड से, उसके बाद 31 से नेक्स्ट नंबर बनेगा 32, 32 का स्क्वायर 1024। तो हम क्या लिखेंगे कि जो नंबर हमें ऐड करना है, मतलब जो मिनिमम प्लांट हमें चाहिए उस रो को या कॉलम को पूरा करने के लिए, वो इसमें से अगर ये माइनस कर दें 1024 में से 1000 माइनस कर दें तो आंसर बनेगा 24। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6.4 का। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, फॉर ए पीटेड विल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर डेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी स्कूल में 500 बच्चे हैं, वो किसी एक पीटी ड्रिल में स्टैंड करते हैं, जैसे हम पीटी हमारे भी स्कूल में होती है, अपने स्कूल में जैसे पीटी होती है, तो उसमें जब हम स्टैंड करते हैं तो उसके लिए उसने उनका वहाँ का रूल है कि जितनी नंबर ऑफ रोज बनेंगी उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स बनने चाहिए। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट। अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन था और नीचे वाला क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें बोला गया था कि वहाँ प्लांट को पूरा करने के लिए, मतलब जो लास्ट वाली हमारी रो या कॉलम बचेगी, सपोज करो कि पहली रो में आए 10, दूसरी में भी 10, तीसरी में भी 10, पहले कॉलम में 10, दूसरे कॉलम में 10, और तीसरा जब कॉलम बना तो बने 5, 5 पेड़ रह गए थोड़े, ट्रीज प्लांट जो हमारे थे वो रह गए थोड़े। तो क्या करेंगे, वो जो हमारा जो आंसर आया है जो हम 5, वो क्या था, वो प्लांट थे जिसे इसमें ऐड करने के बाद ही हमारा कॉलम पूरा हो रहा था। बट इसमें क्या बोला गया है कि हमें वो बच्चे बताने हैं जो हमने बाहर कर दिए हैं अरेंजमेंट से। मतलब जो हमारा, सपोज करो कि हमारे कॉलम और रोज पूरे हो गए हैं और कुछ बच्चे बच गए, तो वो बच्चों को हमने किसी दूसरों बच्चों के साथ एडजस्ट ना करके उन्हें बाहर ही खड़ा कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे इसमें भी सेम वे में, हमने मान लिया नंबर ऑफ़ रोज एक्स हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ रोज एंड कॉलम्स बनेंगे एक्स का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, 500 के। तो 500 का पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमें इससे मतलब था, अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है रिमाइंडर से। तो हमारा रिमाइंडर कितना है, 16। तो हमारे वो 16 वो स्टूडेंट हैं जो हमने अरेंजमेंट से बाहर कर दिए, तो हमारा 16 क्या आ गया, स्टूडेंट वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक